Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another reading, but today's reading is going to be for the zodiac sign, and I'm doing reading for all the zodiac sign. और ये reading होगी जनाब Libra के लिए. जितने भी Librans यहाँ पर हैं और मेरे channel को subscribe उन्होंने किया हुआ है. This reading is going to be for the upcoming 2 weeks. That is from 25th of October to somehow the first week of November. मैं November के first week में एक new reading के साथ भी आऊँगी, but today I thought to have a 15 days reading. और जितने भी मेरे subscribers या जितने भी मेरे friends, जितने भी मेरे जानने वाले zodiac sign Libra हैं, उनके लिए ये reading होगी. So let's start the reading. Cards को मैंने पहले shuffle कर लिया था, बट फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं दोबारा से शफल कर लेती हूँ. प्लीज गाइड अस फॉर माय व्यूअर्स जिनका जोडियक साइन लिब्रा है. एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, ये भी हम ले लेंगे. लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट. ओके, द लवर्स. अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए लिब्रास, यू आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन. आप अभी कमिंग 2 वीक्स में लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कार्ड है. हो सकता है कोई प्रपोजल है इन दिनों. अगर आप सिंगल्स हैं, कोई प्रपोज़ल आया हुआ है जिसके ऊपर आपकी बातचीत हो रही है. हो सकता है इन कमिंग 2 डेज़ में, जो कमिंग 2 वीक्स में जो है, कोई प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करें. अगर प्रपोज़ल नहीं है, कोई रिलेशनशिप में है, तो यू विल बी एंजॉयिंग दिस टाइम विद योर लवर्स. ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है. आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हुए नज़र आ रहे हैं. इमोशनल एनर्जी इस वक्त नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी की बात है. तो यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, और आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं. तो यहाँ पर तो इट्स अ गुड कार्ड, मेजर आर्काना है ये. ओके, थोड़ी सी सफोकेटिंग सी आपकी इस वक्त मेंटल स्टेट है. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और पता आपको सब कुछ है. आप सारी चीज़ों के मुतालिक जानते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर आपके पास बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बंधा महसूस कर रहे हैं. आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आंखों पे जो है वो पट्टी बंधी हुई है. लेकिन आप बहुत क्विकली, जिसे कहना चाहिए कि इन सिचुएशंस को जो है वो डील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. कोई आपको बहुत अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है लिब्रास. या तो कोई पुराना रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंड है, कोई पार्टनर है. जैसे लवर्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ये बहुत अरसे से इस प्रपोज़ल का, इस टाइम का वेट कर रहे थे. तो आपकी लाइफ में मैं किसी प्रपोज़ल को देख रही हूँ, किसी रिलेशनशिप को आते हुए देख रही हूँ, और बहुत स्पीड से उसको कम्युनिकेट करते हुए देख रही हूँ. कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है. यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, लेकिन को जो भी आपकी तरफ आने वाला है वो आपके लिए रिस्क लेना चाह रहा है. हो सकता है बहुत अरसे से किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, चाहे मेल हो या फीमेल हो. लेकिन जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो उसने हार नहीं मानी है. ही और शी वॉन्ट्स टू स्टे, कि वो आपके लिए उस वक्त तक लड़े जब तक आप जो हैं वो ये इस बात का यकीन ना कर लें कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. जबकि ये 2 वीक्स की रीडिंग है, लेकिन ये लाइफ, रेगुलर रूटीन लाइफ से ज़्यादा ये लव रीडिंग लग रही है लिब्रास के लिए. जो कि आई फील के लिब्रास की लाइफ में, मेरे ख्याल में इन 2 वीक्स में मोहब्बत, लव ऑफ़र, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, एक्स लवर,
पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई उनकी तरफ से जो है वो अगर रुकावटें थीं तो वो मुझे कम्युनिकेशन होती हुई बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अगर मैं आपकी इमोशनल साइड की बात करूं तो येस, दिस पर्सन, हु एवर द पर्सन इज़, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और डे और नाइट, मतलब ही और शी जस्ट वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू, बहुत पैशन है, बहुत इग्नाइटेड फील कर रहे हैं, जिसे कहना चाहिए कि जज्बात जो हैं वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। तो यस, अगर दोनों यानी कि सीक्वेंस अगर आप देखें, इतने मज़ेदार सीक्वेंस बना है कि लवर्स के कार्ड से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कार्ड के साथ जो है वो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है उसने हार नहीं माननी, और हार इसलिए नहीं माननी क्योंकि उसके जो जज्बात हैं आपके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अगर गाइडेंस की बात की जाए, ओ यस, ये है ही इसकी वजह से, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके साथ ये पर्सन जो भी हैं वो अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, उनको लगता है कि आप इनके साथ हैं तो सब कुछ इनके साथ है, अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो कुछ भी इनके साथ नहीं है। तो लिब्रास के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि लिब्रास जो हैं वो जनाब आई थिंक रिलेशनशिप का मैनिफेस्ट कर रहे थे, और बहुत अच्छा सा कोई मोहब्बत रिलेशनशिप, कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोज़ल मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और लिब्रास को मैं ये भी गाइड करूँगी कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट देती है, लोगों को बहुत ज़्यादा होप देती है। तो यस, अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है लेकिन आपकी पर्सनालिटी का ऑरा ही ऐसा है कि लोग आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, क्योंकि उनकी अबंडेंस और उनकी सक्सेस जो है वो आपके साथ है, आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके उनकी किस्मत का पहिया चला देते हैं। इफ़ यू कैन सी दिस, सॉरी मैं इसको ठीक करती हूँ थोड़ा, इफ़ यू कैन सी दिस, दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द होल यूनिवर्स इज़ राइट नाउ विद यू। इस पूरी एनर्जी में जो है वो पूरी यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है लिब्रास के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रास, और आपकी ओये कार्ड एक एक्स्ट्रा आया था, सन का कार्ड आया, साथ में हेरोफेंट का कार्ड आया है। हो सकता है इस पार्टनर को इतना टाइम इसलिए भी लगा कि आपके और उनके दरमियान कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, या हो सकता है आप एक हीलर हों, आप एक सोसाइटी को रूल करते हों, आप रिलीजियस स्कॉलर हों, या आपकी स्पिरिचुअल या आपकी हायर सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए जो है वो थोड़ा सा डरते भी हैं। बट राइट एट द मोमेंट आई कैन सी दैट दिस पर्सन हैज़ मेड अप हिज माइंड और हर माइंड दैट आप ही उनकी डेस्टिनी में हैं, बिकॉज वो आपको किसी भी सूरत में लूज़ नहीं करना चाहते या चाहती। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द लिब्रास। ये जो कमिंग 2 वीक्स हैं ये आपकी लाइफ में कमिटमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका एक्स भी हो सकता है, अगर हस्बैंड वाइफ में फ़ाइट चल रही थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, अगर कोई किसी का प्रपोज़ल आया हुआ था तो प्रपोज़ल जो है वो फाइनलाइज होते हुए नज़र आ रहा है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो उसको अपने इस रिलेशनशिप पे हार नहीं माननी है, क्योंकि उसका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप अपने ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट या आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द 2 वीक्स फ्रॉम 25th of October एंड फॉर द 1st week of November। तो आई विल बी कमिंग अप विद अनदर फ्रेश रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवम्बर, बट टिल नाउ ये आपकी रीडिंग है। कुछ भी आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितने भी लिब्रास हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपकी आपको रेजोनेटेड फील हो रही हो कि ये मेरे फ्रेंड जो लिब्रा हैं उनसे भी मिलती है तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय।